हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग कोडिंग तो करना चाहते हैं पर कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स वो कमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से हम कोडिंग को क्विट कर देते हैं बीच रास्ते में इस वीडियो में हम उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे जिनका एक्चुअली कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है जो शायद जबरदस्ती फील्ड के अंदर आ गए थे इस वीडियो में हम बात करेंगे उन जेन्युन रीजंस की जिसकी वजह से शायद वो लोग जिनके पोटेंशियल बहुत हाई थी इस फील्ड में शायद वो लोग जो इंटरेस्टेड भी थे पर कुछ ऐसी चीजें आई जो अनअवॉइडेबल होती हैं जो बहुत सारे मैक्सिमम कोडर्स फेस करते हैं बट उनसे निकलने के रास्ते हमें नहीं पता होते प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास नहीं होती एंड उसी रीजन्स की वजह से कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं एंड उसके बाद इंटरेस्ट लूज कर देते हैं हम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली वी एंड अप क्विटिंग कोडिंग वी एंड अप क्विटिंग प्रोग्रामिंग अब इस बात की शुरुआत करने से पहले कि वो मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं लोग हम सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग कर्व की तो एक क्रूगर डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम से एक कर्व होता है या फिर इसको हम कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस कर्व कहते हैं या मेरी भाषा में कहूँ तो इसको कहते हैं भूत उतारने वाला कर्व तो so कोडिंग की जर्नी में जो भी नया कोडर आता है जो भी नई शुरुआत करता है उसके लर्निंग कर्व किस तरीके का रहता है शुरू में आता है एक अपवर्ड्स फेज अपवर्ड्स फेज यानी ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमारे सारी की सारी चीज़ें नई लग रही होती हैं कोडिंग में अभी हमें कुछ नहीं आता हमें नहीं पता एस टी एम एल क्या है सी एस एस क्या है सी प्लिस क्या है सी क्या है पाइथन क्या है कुछ नहीं पता अभी हमें दिख रहे हैं बस वो रोबोट्स दिख रहे हैं ए आई दिख रहा है एम एल दिख रहा है एप्स दिख रहे हैं है, है, टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न स्टार्टअप मनी वो सब दिखता है प्लेसमेंट्स दिखती है। हैं।, सी हैं और उसी पर्सपेक्टिव को दिमाग में लेकर हम अपनी कोडिंग की शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज़ें सीखते हैं एंड सारी चीज़ें नहीं लगती हैं हम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं हम अलग अलग वीडियोज़ देख रहे हैं हम बहुत कुछ देख रहे हैं बहुत कुछ पढ़ रहे हैं कोड कर रहे हैं चीज़ें हो रही हैं जादू एक सफ़र होता है एंड उस सफ़र में हम बहुत सारा सीखते हैं ऐसा नहीं है कि हम सीखते नहीं हम बहुत सारा सीखते हैं और हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि वी आर द किंग वी आर द क्वीन क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स तो अभी आई ही नहीं हमें लगा कि सब कुछ स्मूथली चल गया है चीज़ें हो रही हैं और बस कोडिंग में अब इससे अच्छा तो कुछ नहीं है हमें सब कुछ आता है उसके बाद आता है आपका पहला बग आपकी पहली प्रॉब्लम जो आपके ट्यूटोरियल ने सॉल्व नहीं करी जो आपकी वीडियोस ने सॉल्व नहीं करी जो शायद अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो उसने सॉल्व नहीं करी या आप टेस्ट में बैठे तो वो पहली प्रॉब्लम जिसको आप खुद से सॉल्व करने में आपको परेशानी हो रही है और आपके पास हेल्प नहीं है एक्सटर्नल वो जब आती है तो उसके बाद आता है एक डाउनवर्ड्स फॉल क्यों क्योंकि उस टाइम पर हमें रिसोर्सेज अच्छे से नहीं पता क्योंकि शायद हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं शायद हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है एंड उस टाइम पर मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स पाइलअप होती जाती हैं और परेशानी होती है क्योंकि पहली बार हम उस चीज से जूझ रहे हैं जो है कि, कि कोई भी नई चीज़ जब करने जाते हो पहली बार परेशानी आती है कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं और आपको खुद से चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं तो कोडिंग का नाम बेसिकली यही है कि खुद से चीजें फिगर आउट करना कैसे कर लोगे सब कुछ है अवेलेबल पर खुद से देखना है कि सही रास्ता क्या है तो उस टाइम पर जो परेशानी आती है उस टाइम में आता है डाउनवर्ड कर्व तो ये होता है हमारा सेकंड फेज और मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी फेज के अंदर क्विट कर देते हैं जितने भी लोग क्विट करते थे होंगे उनमें से 90 परसेंट एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट लोग इसी फेज के अंदर आकर क्विट कर देते हैं पहले चीजें सही चल रही थी किसको नहीं पसंद एक प्रोजेक्ट बनाना कि वेबसाइट पर कुछ दिख रहा है आउटपुट कंसोल स्क्रीन में कुछ दिख रहा है डेढ़ दो महीने की कोडिंग सबको अच्छी लगती है शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको बुरी लगेगी पर बाद की जो कोडिंग होती है जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं खुद से चीज़ें करनी होती हैं वो सबको अच्छी नहीं लगती उसके बाद चाहते हुए ना चाहते हुए हमें एक लूजर की तरह फील होता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता ये तो बहुत दिमाग खराब करने वाली चीज़ है पता नहीं बाकी लोग कैसे कर रहे हैं मुझसे तो नहीं होगा मे बी दे आर जीनियस मे बी उन लोगों को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता उसके बाद मोस्टली लोग क्विट कर देते हैं पर जो एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं जो एक्चुअली अच्छी प्लेसमेंट निकाल लेते हैं जो एक्चुअली अच्छे कोडर्स बन जाते हैं कंपेटिटिव में अच्छा कर रहे हैं या अपने स्टार्टअप में सी बने बैठे हैं खुद कोड कर रहे हैं बैठ के ऐप पर वो लोग वो होते हैं जो इस लूजर वाले पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं और जो इसको क्रॉस कर देता है बस अब उसकी जर्नी सिर्फ अपवर्ड रहती है क्योंकि उसने वर्स्ट फेज निकाल लिया वर्स्ट फेज था वो वाला फेज जब हमें लगता है हर कोई मुझे जज कर रहा है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं और मुझसे तो चीजें ही नहीं रही हैं और लोग मुझे अब जज करेंगे बाकी वो तो कर पा रहे वो भी कर पा रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा तो इस फेज के बाद जो फेज आता है वो सबसे अच्छा फेज होता है जिसमें यू स्टार्ट टू फील लाइक अ गुरु एंड गुरुज जो होते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हमेशा एक चीज़ याद रहती है कि उनको सब नहीं पता दे हैव दैट क्लैरिटी इन देयर माइंड कि नहीं पता हमें सारी चीजें पर फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं पता तो सीख लेंगे क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड रहता है एक्सपर्ट्स का तो अब आप उस एक्सपर्ट वाली जर्नी को शुरुआत कर देते हैं जब आप लूजर वाले फेज से होकर निकलते हैं जो इस लूजर वाले फेज से होकर नहीं निकलता वो कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता क्योंकि जब तक आप हारे नहीं है हमें नहीं पता जीत क्या है तो वो तो नॉर्मल कर्व चल रहा है उस चीज को ना हम अप्रिशिएट करेंगे ना वो एक्चुअल फीलिंग होती है जो फेलियर के बाद सक्सेस वाली फीलिंग आती है वो डायरेक्ट सक्सेस वाली फीलिंग नहीं आती तो इस गुरु वाले कर्व पे इस एक्सपर्ट वाले कर्व पे हम निकलेंगे एंड तब जाकर हम सक्सेसफुल बन रहे होंगे तब जाकर हम जॉब के लिए तैयारी कर पाएंगे तब जाकर हम जॉब रेडी हो पाएंगे तब जाकर अपनी ड्रीम कंपनी फोड़ रहे होंगे अगर वो नहीं फोड़ रहे होंगे तो सेकंड थर्ड नंबर वाली ड्रीम कंपनी फोड़ रहे होंगे एंड एक्चुअली एक अच्छी खासी प्लेसमेंट लेकर जा रहे होंगे जो हम डिजर्व करते हैं अपने हार्डवर्क के लिए अपनी परसिस्टेंस के लिए तो ये पूरा का पूरा जो कर्व रहता है इसको कहते हैं भूत उतारने वाला कर्व क्यों क्योंकि इस प्रोसेस में जितने लोगों को बड़ी बड़ी ड्रीम्स देखकर जब एक्चुअली हार्डवर्क आया और उनमें इतना करेज नहीं था हार्डवर्क को विथस्टैंड करने का जो वो लोग छोड़ गए उन लोगों का भूत उतर जाता है लेकिन जिसने एक्चुअली टिक गया जो जिसने एक्चुअली कर ली वो चीज वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इट्स अ रियली नाइस लर्निंग कर्व एंड सर कोडिंग में नहीं काफ़ी सारी डोमेन्स uh, में काफ़ी सारी जर्नीज में अप्लाई होता है अब ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आती है इस फेज के अंदर दिस फेज ऑफ बींग किंग और अ क्वीन टू बींग अ लूजर इस फेज के अंदर क्यों मोस्टली लोग क्विट कर देते हैं सबसे पहला रीजन हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है ना हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस होती है शायद हमने कोई रैंडम चीज देख ली शायद हमने इंटरनेट पर जाकर 50 रैंडम चीजें पढ़ ली और उसके बाद हम कोई डिसीजन ले रहे हैं जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया था सी प्लस प्लस थोड़ा सा इलेवन ट्वेल्थ से आता था उसके बाद सीखा सी उसके बाद सीखा और सी प्लस प्लस उसके बाद सी प्लस प्लस आधा अधूरा डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सीख के छोड़ दिया एंड उसके बाद निकल गए हैं हम अपनी एच टी एम एल सी एच जावा स्क्रिप्ट की जर्नी पे एंड एक ही महीने बाद इंटर्नशिप करने चले हैं पी एच पी में दिस वॉज माई जर्नी ऑफ फर्स्ट ईयर एंड आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ मतलब एक महीने कुछ और चीज एक महीने कुछ और चीज तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक कि आप बिना किसी गाइडेंस के आप बिना किसी विजन एंड माइंड के ब्लैंकली बस चार चीजें इंटरनेट से पढ़ रहे हैं हम और उनको कर रहे हैं तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले हम देखें कि हमारा आगे का रोड मैप क्या होने वाला है हमारी आगे की जर्नी क्या होने वाली है क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ एक्चुअली अचीव कर ली है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ और वो लोग मुझे कोई अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं कि शायद ये पाथ आप कर लेंगे तो मोस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे एंड चांसेज ऑफ सक्सेस जो होंगे चांसेज ऑफ डूइंग अ गुड थिंग वो इंक्रीज हो जाएंगे तो अब फर्स्ट ईयर के हिसाब से सेकेंड ईयर के हिसाब से क्या करना चाहिए थर्ड फोर्थ एक आइडियल जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इफ़ यू और स्टिल समबडी जो देख रहा है कि क्या मेरा पाथ होना चाहिए क्या मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ तो आप लोग उस वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ है अपने दिमाग में अपना विजन और गोल सेट कर लेना और ये डिसाइड कर लेना ये पता कर लेना कि मैंने जो गाइडेंस ली है मैंने जो गोल सेट किया है वो सही है और इसको पर जाने का रास्ता भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है कंप्लीटली गलत हम नहीं चल रहे हैं इसके साथ साथ कुछ लोगों में एक छोटी सी मिस गाइडेंस की वजह से ये चीज़ आती है कि बहुत थोड़े से टाइम में हम बहुत सारा अचीव करना चाहते हैं कैसे अचीव करना चाहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि दो महीने के अंदर तीन महीने के अंदर चार महीने के अंदर हमारी ऐसी कमांड हो जाएगी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पर कि हम फेसबुक ही जाके मतलब सी बन रहे होंगे बट ऐसा नहीं होता कोडिंग में जो भी चीज़ हमें अच्छे से करनी है उसको टाइम हमें ज़रूर देना पड़ेगा हम ऐसे सोचें कि एक ही सेमेस्टर के अंदर एक ही साल के अंदर हम मशीन लर्निंग कर लेंगे हम वेब डेवलपमेंट कर लेंगे हम ये भी कर लेंगे ऐप भी बना लेंगे उसके साथ हम प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे तो सारी चीजें नहीं हो रही होंगी पर चार साल के अंदर लंबे टाइम के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अब देर इज दिस थिंग दैट आई रेड रिसेंटली कि वारंट बफेर जो थे उनके साथ में उनके दो पार्टनर्स और थे जिनमें से एक सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उसका वारंट वफेर ने रीजन क्या दिया कि मुझे पता था लॉन्ग टर्म की सोचूंगा तो मैं तो फिल्दी रिच हो जाऊंगा आई एल बी वेरी सक्सेसफुल मैं तो बहुत रिच होने वाला हूं लेकिन मेरा जो दोस्त था ना उसको थोड़ी सी हरी थी उसको थोड़ी सी जल्दी थी सक्सेसफुल होने की तो जब हम चीजें कर रहे हैं ना हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि थोड़े से टाइम में हम इतना सारा अचीव कर लेंगे और जब लंबे टर्म की बात करते हैं चार साल की बात करते हैं तीन साल की ए, दो साल की बात करते हैं तो उसमें हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि दो साल में क्या ही हो पाएगा तो विजन जो है उसमें हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स थोड़े से ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि आजकल आदत हो गई है हमें शॉर्ट टर्म में मेजर सक्सेस लेकर आने की जो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता हार्डवर्क टेक्स टाइम परसिस्टेंट टेक्स टाइम गुड रिजल्ट टेक टाइम तो उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना है दूसरी चीज जो हम यूजअली करते हैं कि हम वेट करते हैं कि कोई और जाकर हमारी हेल्प कर दे अब इसमें क्लासिक एग्जांपल एग्जाम्पल ये होगा हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई हम स्टक होकर रह जाते हैं हम ज्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे जिस सीनियर को हम जानते हैं उसको कांटेक्ट कर लेंगे जिस हमारे दोस्त जो अच्छी कोडिंग करता है उसको हम कांटेक्ट कर लेंगे बहुत कम लोग होते हैं जो शुरुआती स्टेज में क्या करते हैं सोचते हैं गूगल कर लेता हूं आज तक भी तो सब गूगल किया है कि इंस्टाग्राम को शुरुआत में जब चलाना था तो पिक्चर्स कैसे पोस्ट करनी है लोगों को टैग कैसे करना है कमेंट कैसे करना है वो भी तो गूगल करके सीखा था मैंने तो गूगल करो क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम्स कैसे गूगल करके या बिंग करके या डक डक गो करके या कुछ भी करके पर हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा खुद की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन रिसेंटली वीडियो बनाया था कि कौन सी तीन आ, ऐसी यू नो कम्युनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें से स्टैक ओवरफ्लो इज अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी जहां पे हर प्रॉब्लम का जो है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जवाब मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके तो वैसी चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हो खुद के लिए स्टैंड ले अपनी प्रॉब्लम के लिए स्टैंड ले अच्छा मैंने सीनियर को कांटेक्ट किया प्रॉब्लम बताई चार दिन से वेट कर रहा हूं उनका रिप्लाई नहीं आया प्रॉब्लम में बढ़ नहीं पा रहा ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम का इंटरनेट पर आज की डेट में सॉल्यूशन है आप जाकर चार अलग अलग वीडियोस देखो सेम प्रॉब्लम के यू विल रियलाइज कि आप क्या गलत कर रहे हैं अगर शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें ताकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट हो सके सेनेपिस जो है वो काम कर सके अच्छे से हमें पता चल सके अगली बार सिमिलर प्रॉब्लम आई है तो हाँ पिछली बार इसमें फंसा था इस बार नहीं फंसूंगा इस बार ठीक से कर दूंगा तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का जिम्मेदार मैं हूं कोई और नहीं है जो मुझे आकर सिखा रहा होगा इवन इफ आप पेड कोर्स लेकर बैठे कोई और नहीं है डाउट फैकल्टी नहीं है जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं एक अच्छा कोडर बन रहा हूं मैं एक अच्छा लर्नर बन रहा हूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीसरी मिस्टेक जो हम कमिट करते हैं वो है टू मच थियोरी एंड टू लिटिल प्रैक्टिस हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली वीडियो हम देखे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं और जब हम एक्चुअली कोड करने बैठते हैं तब हमसे कोड नहीं होता अब इसको जो है एक ये क्लासिक चीज़ है ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स हम पहली बार कमिट कर रहे हैं सालों से जितने लोग कोड कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग इन मिस्टेक्स को कमिट करते हैं आधी से ज़्यादा मैंने कमिट की हुई है आधी से ज़्यादा मेरे ऐसे बैचमेट्स ने कमिट की हुई है जो आज बहुत अच्छी जगह हैं बहुत अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं एज अ कोडर एंड ये मिस्टेक कमिट करना प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि हमें इस मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं होता और इनसे ओवरकम कैसे करें तो ये जो मिस्टेक होती है टू मच थ्योरी वाली एंड टू लिटिल प्रैक्टिस वाली इसको करने से बचने का क्या तरीका है इसको नाम दिया जाता है ट्यूटोरियल है कि ट्यूटोरियल में फंस के हम रह जाते हैं ट्यूटोरियल जब तक एक घंटे का दो घंटे का चार घंटे का चल रहा है तब तक हमारा कोड बहुत मस्त तरीके से बहुत अच्छा रन कर रहा है मशीन पे लेकिन उसके बाद जब हम एक्चुअली खुद का प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं तो पहली लाइन ऑफ कोड लिखते ही प्रॉब्लम आ जाती है कि एरर क्यों आ रहा है अब ट्यूटोरियल में तो एरर नहीं आया तो अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है एरर कैसे सॉल्व करें तो उसके लिए भी ये चीज़ है कि साथ के साथ आप ट्यूटोरियल देखिए ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम नहीं है पर अपनी जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है वो जारी रखिए एक्चुअल प्रैक्टिस एक्चुअल कोड वो होगा जो आप बिना किसी वीडियो को देखे हुए सिर्फ अपना दिमाग यूज करके लिख रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पर दिमाग जितना खुलेगा हमारी लॉजिकल लर्निंग जितनी ज्यादा होगी वो हमारे काम आ रही होगी कितना हमने ट्यूटोरियल देख लिया कितनी हमने वीडियोस देख लिए कितने कांसेप्ट सीख लिए वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में काम आएगा कि हमने खुद से क्या किया कितनी lines of code हमने खुद से लिखे उसमें से हमारा क्या आउटपुट निकला और अगर आप एक फाइल भी लिख रहे हैं Projects में बहुत सारी files हो हो जाती है जाते हैं कभी-कभी पर अगर आपने एक file भी खुद से लिखी है, that is so much better than आप 6, files का मिलजुल कर एक ट्यूटोरियल से कॉपी करके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं ऑब्वियसली शुरुआती स्टेजेस में आप हेल्प लीजिए पर बाद में जो एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है वो हमें खुद करनी है कोडिंग इज ऑल अबाउट आर ना चाहते हुए भी ये थोड़ी सी जो है सेल्फिश करियर है जिसमें मोस्टली टाइम हम खुद के साथ बैठे रहते हैं मोस्टली टाइम हमें खुद के दिमाग के साथ रेस लगानी पड़ती है खुद में ही चीजें सोचनी पड़ती है माइंड मैप बनाना पड़ता है तो हमें आदत होनी चाहिए खुद से चीजें सॉल्व करने की खुद से इंडिपेंडेंट होने की चौथी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है लैक ऑफ मेंटरशिप की अब मेंटरशिप हम सबको चाहिए लाइफ में चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में मिल रही हो चाहे डायरेक्ट फॉर्म में मिल रही हो यहां पर मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप एक कॉलेज सीनियर को पकड़ लीजिए उसको कही मेंटर फॉर फॉर ईयर आप मेरी प्लेसमेंट लगवा दीजिए ऐसे नहीं होती मेंटरशिप मेंटरशिप के लिए सबसे पहले आप अपनी डोमेन में अपनी फील्ड में देखते हैं कि अगर मुझे कोडिंग में जाना है या मुझे एक्टिंग में जाना है या मुझे क्रिकेट में जाना है तो कौन अच्छा कर रहा है उससे मैं क्या अच्छी चीजें सीख सकता हूं जरूरी नहीं है वो व्यक्ति आपसे डायरेक्टली कॉल पे बात करके आप वो को वो अच्छी चीजें समझाए बस ये है कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप उस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप सीरियसली फॉलो करिए नहीं तो उसका फायदा नहीं है तो so, मेंटरशिप का बेस्ट इफेक्ट तब आता है जब मेंटर जो होता है वो चीजें फॉलो कर रहा है एंड वो प्रोस्पर कर रहा है और जो मेंटर होता है तभी उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तभी उसको भी अच्छा लगता है दूसरों को मेंटर करना इसीलिए यू शुड हैव अ मेंटर इन लाइफ जो आपको गाइड कर सके जो बता सके क्या आपकी जर्नी में गलत चीज़ें चल रही है क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है बैलेंस बना रहे क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती है ना मोस्टली चीज़ें खराब कब होती हैं जब हमें पता नहीं होता कि चीज़ें खराब होने कैसे वाली हैं मोस्टली चीज़ें इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि हमें नहीं पता सही रास्ता क्या है सही रास्ता बहुत सारे हैं गलत रास्ते तीन चार ही हैं बस उन गलत रास्तों से हमें बचना है उनको अवॉइड करना है एंड बाकी किसी ना किसी रास्ते से निकल के इधर उधर से हम सक्सेस ले ही लेंगे तो आई होप ये जो चार मिस्टेक्स हैं कौन सी चार मिस्टेक्स सबसे पहला पता होना कि सही बात क्या है दूसरा अपने डिसीजंस के लिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद इंडिपेंडेंट होना स्टैंड लेना तीसरा बहुत सारा जो काम है उसको कम टाइम में करने की कोशिश ना करना एंड चौथा लाइफ में किसी मेंटर का किसी गाइडिंग लाइट का ना होना ये चार चीजें जो हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए इनसे हमें बच के रहना चाहिए एंड उसके बाद आप मोस्टली चीजें जो कर रहे होंगे अपनी कोडिंग जर्नी में वो सही ही होंगी क्योंकि अगर आप परसिस्टेंट रहते हैं अगर आप इस कर्व को किसी ना किसी तरीके से अवॉइड कर देते हैं टिके रहते हैं हार्डवर्क दिखाते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस है ही प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे टॉप पैकेजेस हैं ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक प्लेसमेंट्स की कमी है बट वो टेक प्लेसमेंट्स उन्हीं लोगों को मिलती है जो कुछ अच्छे स्टेप्स को फॉलो करके कुछ अच्छी चीज़ें कर पाते हैं अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं एंड आई होप कि आप में से जितने भी लोग सीरियसली इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो अचीव वो कर ही रहे होंगे आई हैव फुल होप एंड आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग